स्वागत है आपका हमारे शो में अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज में। कैसे आप? I'm good. जी हाँ, क्या नाम आपका? ठीक है, थैंक यू। I'm प्राजक्ता अंगुरले। कहाँ से हूँ? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ। अच्छा, आप तो आप एक्टिंग करते हो अभी? जी। तो कुछ किए हो आपने? यस। क्या आप क्या क्या किए? मराठी वन एक्ट प्लेस किया है, सीरियल्स किए हैं। अच्छा। और शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। अच्छा। वेब सीरीज किया है यूट्यूब के लिए। रिसेंटली मेरा एक शॉर्ट फिल्म US शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट भी हुआ था। अच्छा। कॉबवेब नाम है उसका, जरूर देखिए। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, हम देखेंगे जरूर। लेकिन आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? डैड है गवर्नमेंट ऑफिसर, मॉम है स्कूल में क्लर्क। अच्छा। और आई हैव अ यंगर सिस्टर, शी इज डूइंग हर होटल मैनेजमेंट नाउ। अच्छा। नहीं, हिंदी में बात करो, एक्चुअली क्या इंग्लिश में थोड़ा लेफ्ट हो। और आप एक्टिंग मतलब बचपन से चुने हैं? मतलब नहीं, कॉलेज में जब मैं वन एक्ट प्ले में पार्ट लेने लगी, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग का क्यों अच्छा लगने लगा? मतलब बिकॉज आई हैव दोज स्किल्स, आई कैन एक्ट वेल ऐसे, और आर्टिस्टिक माइंड मेरा है ऐसा। अच्छा, बचपन से ही है क्या? मतलब कॉलेज के स्टूडेंट है या किसी को देख कर ऐसा है, या मतलब अंदर से है? अंदर से है, अंदर से है। अच्छा, तो आप बेसिकली मुंबई से हो? यस, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो आगे का क्या प्लान है, मतलब आपका करने का कुछ? अभी फिलहाल आई एम लुकिंग फॉर वन मराठी सीरियल। ओके। और मुझे, मेरा टारगेट ये है कि मुझे ग्रे शेड में काम करना है, लाइक नेगेटिव शेड में। अच्छा, नेगेटिव रोल में। नेगेटिव रोल में, नेगेटिव जैसे आतंकवादी हो, मतलब मारना हो। हाँ, वैसे एक्शन ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, बट मतलब सटल नेगेटिव शेड जो प्ले किए जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। बिकॉज आई हैव दिस इन माय माइंड दैट, क्योंकि जो मेन लीड होती है ना, उसको कुछ एम नहीं रहता है लाइफ में। हाँ। जो नेगेटिव कैरेक्टर जो उसको होता है, हाँ। उसको एम रहता है, उसको कुछ ना कुछ करने का रहता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक मतलब लोगों के दिले में राज बनाता है। हाँ, मतलब। तो इसलिए उसमें प्ले करने के लिए काफी मतलब कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं नेगेटिव। अच्छा। प्ले करने के लिए तो मजा आता है। अच्छा, तो आपके अंदर ऐसा कुछ है जो नेगेटिव का जो टैलेंट? मैं हूँ बहुत अच्छी, दिल की बहुत अच्छी हूँ मैं। देखो, अच्छी तो हर लड़कियां है ना, अपने आप में एक अच्छी होती है। लेकिन क्या है, जो एक्टिंग जो आप बता रहे हैं ना नेगेटिव, तो उसके अंदर आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है या ऐसा कुछ है? क्योंकि हमारा चैनल सब जगह जाता है, तो कोई ऐसा कुछ करो दीवानगी ऐसी जो लोगों को दिलों पे है? क्या करूँ, मतलब एक्टिंग करो जो आपके मतलब नेगेटिव आप बता रहे हो ना, नेगेटिव शेड में कुछ। हाँ, तो कोई चार पांच लाइन करो, बताओ कैसा क्या, हम भी तो देखे मतलब क्या है। तो पहले ही बता देते आप, मैं तो अभी नहीं हूँ। देखो, जो जिसके पास टैलेंट होता है ना, वो ऑन द स्पॉट करता है। अच्छा। ऑन द स्पॉट, उनको जरूरत नहीं कि प्रिपेयर करने की, ये करने की, वो करने की। जो जिनके अंदर टैलेंट है ना, ऑन द स्पॉट उनके दिमाग में वर्ड आते रहते, आते रहते, और वो बाहर से निकलते रहते, समझ रहे हो? तो अभी आप रुको, मैं सोच रही हूँ। हाँ, तो सोच लो, दो मिनट है आपके पास। अच्छा, आपने टाइमर लगा दिया है क्या? ये सब आपने मेरे को तो पूछा, आपके बारे में कुछ नहीं बताया आपने। देखो, मैं तो अपने आप में प्लैनेट हूँ, एक ग्रह हूँ। अच्छा। मराठी में चाहिए आपको या हिंदी? मराठी में बोलो, क्योंकि हमारी चैनल मराठी डायरेक्टर लोग के पास भी जाता है। हिंदी में भी है तो बोलो, पंजाबी है तो बोलो, पंजाबी नहीं आती, तमिल है तो बोलो, तेलुगु है तो बोलो, गुजराती है तो बोलो, क्योंकि गुजरात की भी दो तीन फिल्में आ रही है, तो मैं वहाँ के बात कर सकता हूँ। लेकिन मराठी में बोलो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप मराठी में बोलो। मैं हिंदी में भी बात तो कर ही सकती हूँ। नहीं, देखो अभी ऐसा रेडी कुछ स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो छोटी सी लाइन बोल दो ना, मैं आपको सीक्वेंस समझाऊँ क्या? अभी समझो, आपकी माँ अपसेट है, तुमने बॉयफ्रेंड बनाया, माँ को पसंद नहीं है, तो आपने उसको मम्मी को पटाया, तो कैसा पटाएंगे आप? मतलब मैं मम्मी को पटाऊ? हाँ, अभी क्या बोलूंगी मैं उनको, बोल दूंगी कि एक्टिंग करके बताओ, ये बोल दूंगी वैसा मत बोलो, प्रॉपर एक्टिंग करो ना। वाह करो, वो जनता देख रही है, वो सब जनता देख रही है। हेलो जनता, अच्छी लग रही? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पर मम्मी, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? वो अच्छा ही तो है दिखने में, स्मार्ट है, वेल एजुकेटेड है,
पैसे कमाता है और क्या चाहिए, वी लुक गुड विथ ईच अदर, आपको प्रॉब्लम क्या है? ओ मॉम, क्या छोटी छोटी बातों पे लेके आप भी मान भी जाओ ना, वी लव ईच अदर, प्लीज अंडरस्टैंड अस। देखो अगर आप राजी नहीं हुए ना तो मैं कुछ भी कर लूँगी। देखो ऐसा मत करो, कुछ मत करो, जानी मत दो, ठीक है? सही है, लेकिन मेरी शक्ल भी इतनी बराबर नहीं है। और चलो ठीक है, अभी एक नेगेटिव दूंगा मैं आपको। बॉयफ्रेंड को चिल्लाना है, कैसा चिल्लाएंगे? मतलब जैसे आपको रोल चाहिए था फिल्मों में, तो वैसा मतलब एकदम अंदर से अंदर की जो जनून जो सब निकाल दो, भड़ास निकाल दो पूरा। तुला कोणी सांगितलं तिच्या मागे जायला? तुला सांगितलं ना मी, मला नाही आवडत तू कोणाशी इतर मुलीशी बोललेलं। मग का गेलास तू तिच्यासोबत बाहेर? बरं गेलास तू गेलास, तू मला नंतर सांगितलंही नाहीस। आत्ता मला माझ्या मैत्रिणीकडून कळतंय की तुम्ही दोघे जण तिथे गेला होता। यु नो व्हॉट, मला तुझ्याशी काही बोलायचंच नाही, आणि आता इथून पुढे एक्सपेक्ट करू नकोस हा की आपलं काही असेल। बाय फॉर एवर। ओके, बहुत बढिया, आपने ये वाला तो मस्त किया आपने, लेकिन कारण मराठी होता ना। हाँ, नहीं नहीं ये वाला बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे क्या करना चाहते हो? मतलब एम पूछ रहे हो तो वही है कि नेगेटिव मुझे काफी अच्छा, चलो लाइक वेल नोन नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट में बनना चाहती हूँ। और पैसे कमाने हैं? यस। देखो किसी की उम्मीद से मत जियो। मतलब ये जैसे दूसरे की उम्मीद अपने पे होना चाहिए। ऑफ कोर्स, हम किसी को उम्मीद पे नहीं होना चाहिए, पता है? डिपेंडेंसी आप बोल रहे हो, सो यस आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, क्योंकि मैं हूँ डिपेंड है ना, इसलिए आपको ये सब वर्ड बताता हूँ, क्योंकि प्लैनेट हूँ ना मैं। चलो ठीक है, थैंक यू आपको हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। अपनों की मुलाकात यस प्रतिभा के आने के लिए, थैंक यू। चलिए मिलते हैं।